प्यारे बच्चों नमस्कार। आज हम क्लास सिक्स के दूसरे लेसन हाउ द डॉग फाउंड हिमसेल्फ ए न्यू मास्टर लेसन के प्रश्न उत्तरों को हल करेंगे। तो चलिए देखते हैं पहला प्रश्न। क्वेश्चन वन, व्हाई डिड द डॉग फील। व्हाई का मतलब होता है क्यों, डिड है डू की पास्ट वर्ब, डू का मतलब होता है करना, डिड का मतलब भी होता है करना। पहली फार्म डू होती है, पहली फार्म डू होती है, दूसरी डिड होती है और तीसरी डन होती है। तीनों का अर्थ करना ही होता है, लेकिन जो डिड और डन होती है ये भूतकाल के लिए प्रयोग होती है और जो डू है वो वर्तमान और भविष्य दोनों के लिए प्रयोग होती है। और जो एस या ई एस भी लगना होता है वो वर्ब की पहली फार्म के साथ ही लगता है। तो चलिए देखते हैं, वाई डिड द डॉग फील, कुत्ता क्यों महसूस करता था द नीड आवश्यकता फॉर ए मास्टर एक मालिक के लिए। तो इसका उत्तर होगा द डॉग वाज सिक, कुत्ता बीमार था एंड टायर्ड ऑफ गोइंग अबाउट अलोन इन सर्च ऑफ फूड, और टायर्ड था थक गया था ऑफ गोइंग अबाउट अलोन अकेला जाकर इन सर्च ऑफ फूड, इन सर्च ऑफ होता है की खोज में, सर्च का मतलब क्या होता है खोज, सर्च का क्या मतलब होता है खोज, खोज में भोजन की, फूड होता है भोजन। एंड और ही डिड नॉट फील सेफ, और वह महसूस नहीं करता था सुरक्षित अपने आप को कि कभी कोई दूसरा जानवर उस पर हमला कर दे या कोई उसको मार दे या कोई उसके कोई नुकसान पहुंचा दे, तो इन चीज़ों से वह डरता था कि और वह अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं करता था, इसलिए वह चाहता था कि उसका कोई मालिक हो। इसलिए उसने डिसाइडेड होता है निश्चय करना, ये भी वर्ब की दूसरी फार्म है, अधिकतर वर्ब की दूसरी फार्म में ई डी लगता है लास्ट में, टू हैव ए मास्टर, इसलिए उसने निश्चय किया कि उसका एक मालिक हो। तो अगला प्रश्न देखिए, वोम डिड ही फर्स्ट चूज एज हिज मास्टर। चूज का मतलब होता है चुनना, चूज का मतलब क्या होता है चुनना। सबसे पहले उसने किसे मालिक के रूप में चुना, वाई डिड ही लीव दैट मास्टर, वाई का मतलब होता है क्यों, डिड का मतलब होता है करना, ही लीव, लीव का मतलब होता है छोड़ना, लीव का मतलब क्या होता है छोड़ना, एक लीव का मतलब छुट्टी भी होता है एल ई ए वी ई लीव, लीव का मतलब होता है छोड़ना किसी को, और एक इसका मतलब होता है छुट्टी लेना। तो वाक्य की सेंस देखेंगे कि वो कौन सा लीव है, छुट्टी वाला है या छोड़ने वाला है। तो यहाँ पे वाई डिड ही लीव दैट मास्टर, उसने उस मास्टर को क्यों छोड़ा, तो आंसर देखिए द डॉग, द लगा रखा है डॉग के, इसका मतलब ये है कि जो डॉग है ये पूरी जाति को संबोधन है, पूरी जो कुत्ता जाति है उसकी बात कर रहा है। फर्स्ट चोज, चोज चूज की पहली फार्म है, चोज चूज की क्या है पहली फार्म है, चोज ए वोल्फ, वोल्फ होता है भेड़िया, वल्फ क्या होता है भेड़िया, ये कुत्ते की ही जाति से संबंधित होता है लेकिन कुत्ते से थोड़ा सा ज़्यादा जंगली होता है और ज़्यादा खतरनाक होता है। एज हिज मास्टर, अपने मालिक के रूप में, बट किंतु ही फाउंड, उसने पाया द वल्फ अफ्रेड, अफ्रेड होता है भयभीत, फाउंड होता है पाना, परंतु उसने पाया द वल्फ भेड़िया अफ्रेड ऑफ द बियर, डरता है भालू से, सो ही लेफ्ट, इसलिए उसने छोड़ दिया। जो लीव हमारी पहली फार्म थी उसी की दूसरी फार्म लेफ्ट होती है, लीव की दूसरी फार्म क्या होती है लेफ्ट होती है, इसका मतलब भी होता है छोड़ना, और लेफ्ट भी छोड़ना लीव भी छोड़ना। द कंपनी, कंपनी का मतलब होता है साथ, कंपनी का मतलब क्या होता है साथ, एक कंपनी फैक्ट्री को भी कहते हैं, जैसे ये कौन सी कंपनी का जूता है, और एक कंपनी होता है साथ, डिड यू गिव मी ए कंपनी, क्या तुम मेरा साथ दोगे, कोई भी जैसे एक बच्चा है अगर वो लूडो खेल रहा है और अकेला तो खेल नहीं सकता, अब वो चाहता है कि उसके साथ कोई और भी हो, तो वो क्या कर चाहता है कि उसको कोई कंपनी दे, तो कंपनी देना क्या होता है साथ देना। ऑफ द वोल्फ, वोल्फ होता है भेड़िया, वोल्फ क्या होता है भेड़िया। चलिए आगे तीसरा प्रश्न देखते हैं, हु डिड ही चूज नेक्स्ट, हु डिड ही चूज नेक्स्ट, हु होता है कौन या किसे, तो उसने नेक्स्ट होता है अगला, नेक्स्ट होता है अगला, अब अगला मालिक उसने किसे चुना, अगला मालिक उसने किसे चुना, तो इसका आंसर होगा नेक्स्ट द डॉग चोज, ये देखिए चूज पहली फार्म थी और इस चूज की दूसरी फार्म क्या है चोज, पहली चूज होती है, दूसरी चोज होती है और तीसरी
चोजन होती हैं। ए बियर, बियर क्या है? भालू। अगर एक नाउन के रूप में आता है तो भालू होता है, और वैसे बी ई ए आर बियर का मतलब क्या होता है? भालू होता है। लेकिन अगर वो नाउन है तो है ये। अगर वही बियर वर्ब के रूप में आता है तो इसका मतलब होता है सहन करना, तो इसका मतलब होता है सहन करना। नेक्स्ट द डॉग चोज ए बियर, अगली बार उसने किसे चुना? एक भालू का चुना। एज हिज मास्टर, अपने मालिक के रूप में। बिकोज क्योंकि, बिकोज क्या होता है? क्योंकि ही वाज स्ट्रोंग, ही वाज स्ट्रोंग देन द वोल्फ। तो यहाँ पे देन आ गया, देन का मतलब होता है की उपेक्षा, तो ही वाज स्ट्रोंगर आएगा। यहाँ पे आर नहीं लिखा हुआ, उसे आप ठीक कर लेना, एस टी आर ओ एन जी आर। जब भी कभी देन आ जाता है तो उसके साथ कंपेरेटिव डिग्री लगती है। कौन सी डिग्री लगती है? कंपेरेटिव डिग्री लगती है, सुपरलेटिव नहीं लगेगी। तो स्ट्रोंगर आएगा यहाँ पे, क्या आएगा? स्ट्रोंगर, एस टी आर ओ एन जी ई आर, स्ट्रोंगर। इसको आप ठीक कर लेना, देन द वोल्फ, क्योंकि वह ज़्यादा ताकतवर था भेड़िए की बजाय। अगला प्रश्न देखते हैं, वाई डिड ही सर्व द लाइन फॉर ए लॉन्ग टाइम। उसने शेर की सेवा क्योंकि एक लंबे समय के लिए। तो इसका उत्तर लिखिए, द डॉग सर्वड। तो जिस भी पर्सन के अंदर डिड आ जाता है, जिस भी पर्सन के अंदर डिड आ जाता है, उसके उत्तर में उसकी जो वर्ब की पहली फार्म है ना, वो दूसरी में चेंज हो जाती है। जैसे पीछे हमने देखा था चूज था वो चोज में चेंज हो गया, डू था वो डिड में चेंज हो गया। डू किस में चेंज हो गया था? डिड में चेंज हो गया था। चोज था, लीव था, वो लेफ्ट में चेंज हो गया था। ठीक है, लीव किस में चेंज हो गया था? लेफ्ट में चेंज हो गया था, एल ई एफ टी। तो यहाँ पे सर्व है तो सर्वड हो गया, द डॉग सर्वड। डिड हट जाता है और दूसरी फार्म लग जाती है, डॉग सर्वड द लायन, कुत्ते ने लायन की सेवा की थी। फॉर ए लॉन्ग टाइम, एक लंबे समय के लिए। बिकॉज क्योंकि, ही हैड नो कंप्लेन, क्योंकि उसे कोई शिकायत नहीं थी। अगेनस्ट हिम, उसके खिलाफ। किसके खिलाफ? शेर के खिलाफ, क्योंकि उसे शेर से कोई शिकायत नहीं थी। वो सबसे ताकतवर को चाहता था और शेर सबसे ताकतवर था, इसलिए उसे कोई शिकायत नहीं थी। सेकेंडली, और दूसरी बात क्या थी? ही फेल्ट। अब ये फेल्ट क्या है? फील की दूसरी फार्म है। फील पहली होती है और फेल्ट दूसरी फार्म होती है। ही फेल्ट सेफ एंड सिक्योर, वह सुरक्षित महसूस करता था। और सेफ, सुरक्षित, और सिक्योर भी क्या होता है? सुरक्षित। तो दोनों की वैसे एक ही होती है, सेफ और सुरक्षित। नो अदर वाइल्ड एनिमल, कोई भी दूसरा। नो अदर क्या होता है? कोई दूसरा। वाइल्ड जंगली, एनिमल डेयर्ड, डेयर्ड होता है साहस करना या हिम्मत करना। टू डिसप्लीज हिम, डिसप्लीज का मतलब होता है नाराज करना। और किसी भी दूसरे जानवर की हिम्मत नहीं थी कि वह शेर को नाराज कर दे। क्या कर दे? शेर को नाराज कर दे। तो इसलिए ही सर्वड द लाइन फॉर ए लॉन्ग टाइम। आगे देखिए, हु डिड ही फाइनली चूज एज हिज मास्टर एंड वाइफ। हु डिड, तो कहता है किसको चुना? ही फाइनली, अंत में, चूज एज हिज मास्टर एंड वाई। अब ये देखिए, यहाँ पे चूज आया हुआ है और यहाँ पे डिड आया हुआ है, तो जब हम इसका उत्तर लिखेंगे तो इस चूज का चोज बन जाएगा। क्या बन जाएगा? चोज बन जाएगा। द डॉग फाइनली, कुत्ते ने अंत में चोज ए मैन, किसको चुना? एक आदमी को चुना। एज हिज मास्टर, अपने मालिक के रूप में। इवन, यद्यपि। द लाइन वाज अफ्रेड, क्योंकि जो लाइन था वो भी भयभीत था। ऑफ मैन, आदमी से। सो द डॉग, इसलिए। वाज कन्विंस्ड, कन्विंस्ड होता है सुविधाजनक होना या सम्मानजनक होना। तो कुत्ता क्या है? सुविधाजनक था, सॉरी सुविधाजनक नहीं आएगा। सो द डॉग वाज कन्विंस्ड, कन्विंस्ड होता है महसूस करना। तो इसलिए उसने महसूस किया दैट मैन वाज, कि जो आदमी है वो क्या है? स्ट्रोंगेस्ट है, ताकतवर है, क्रिएचर, जीव है ऑन अर्थ। कन्विंसिड का अर्थ एक सुविधाजनक भी होता है, लेकिन यहाँ पे इसको हम कहेंगे मानना या महसूस करना, मानना या महसूस करना। इसलिए उसने महसूस किया कि जो आदमी है वो क्या है? अधिक ताकतवर है, किसकी बजाय? धरती के बाकी भी अन्य जानवरों की बजाय।
तो द डॉग फाइनली चोज ए मैन एज हिज मास्टर, और इसलिए कुत्ते ने क्या किया, अंत में एक आदमी को चुना अपने मालिक के रूप में। इवन द लायन वाज अफ्रेड ऑफ मैन, क्योंकि जो आदमी है, जो शेर है, वो भी आदमी से डरता था। सो द डॉग वाज कन्विंस्ड, इसलिए कुत्ते ने महसूस किया दैट कि मैन वाज द स्ट्रॉन्गेस्ट क्रिएचर ऑन अर्थ, कि जो कुत्ता है, सॉरी जो आदमी है, वो धरती पर सबसे ताकतवर जानवर है। तो थैंक्स, धन्यवाद भाई ईश्वर सर वीडियो देखने के लिए। अगर अच्छा लगे तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, और अगर कोई कमी लगे तो नीचे कमेंट में लिख देना। अगर आपको कोई प्रश्न पूछना हो तो भी आप मुझसे नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं, और मुझे समय मिलते ही मैं आपके प्रश्न का जवाब ज़रूर दूंगा, और कोशिश करूंगा उस जवाब को पूरी तरह से एक्सप्लेन करने के लिए करने का, और अच्छी तरह से आपको बताने के लिए। और अगर आपको किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो भी आप मुझे नीचे कमेंट करके बता सकते हैं, मुझे समय मिलते ही मैं उस टॉपिक पे आपका वीडियो बना के डाल दूंगा। धन्यवाद।